दोस्तों, अगर आपका अभी तक पैन कार्ड नहीं बना हुआ है तो आपको पैन कार्ड बनवाने की जरूरत पड़ गई है। अगर आप बैंक में जा रहे हैं तो आपको अकाउंट ओपनिंग में पैन कार्ड की जरूरत पड़ रही है, तो आप अपना पैन कार्ड को कैसे बना सकते हैं? पैन कार्ड बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, कितने रुपए को आपको चालान कटवाना है, पूरा प्रोसेस मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप के माध्यम से, अपने आधार कार्ड के माध्यम से आप अपने पैन कार्ड को बना सकते हैं। उसमें आप फोटो और सिग्नेचर आपका आ जाएगा। तो दोस्तों, उसी के बारे में आज मैं पूरा वीडियो के माध्यम से पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो दोस्तों, आप कहीं मत जाइए, हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में किसी भी एक ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है पैन कार्ड ऑनलाइन और आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पैन लॉगिन NSDL की ऑफिशियल लिंक आपको मिल चुका है, तो इसी वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन आ चुका है या NSDL की पोर्टल पे आप लॉगिन हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसी पोर्टल से आप अपना नया पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप भरेंगे, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है कि न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A को आपको भरना होगा, तो इसी पे क्लिक करना है, इसी को सिलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे कैटेगरी में इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन देना होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइटल का ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे श्री SMT कुमारी जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम भरना है, फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम भरना है, यहाँ पे मिडिल नेम भरना है और दोस्तों यहाँ पे आपको कैलेंडर पे आके आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर देना है और यहाँ पे ईमेल वाले आइकन में यहाँ पे दोस्तों आप अपना ईमेल आईडी भर देंगे और यहाँ पे एक अपना फोन नंबर भर देंगे। और दोस्तों, यहाँ पे आपको फाइनली चेकबॉक्स लगाना है और यहाँ पे दोस्तों कैप्चा को यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड एंड टोकन नंबर यहाँ पे आपको एक मिल चुका है और आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे टोकन नंबर को नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और आपको अगर कोई आगे दिक्कत होता है तो आप इसी टोकन नंबर से आप अपना ट्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है कि कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन यहाँ पे आपका ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 5 कैटेगरी में आपको पैन कार्ड अप्लाई करने होंगे, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबमिट डिजिटली थ्रू EKYC एंड E-Sign आपको दिया हुआ है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सबमिट सेकेंड इमेज थ्रू E-Sign। दोस्तों, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। मतलब दोस्तों, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे अगर आप पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका E-Sign से ही आपका फोटो एंड सिग्नेचर ले लेगा। तो यहाँ पे अगर इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपने मन से अपना फोटो या सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने पैन ऑफिस में जाके आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आपको तो आप दूसरे वाले ऑप्शन को टिक रहने देना है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट फिजिकली पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड। अगर दोस्तों आपको फिजिकली पैन कार्ड चाहिए तो यस पे क्लिक रखने देना है, अगर नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों, आप यस पे क्लिक करने देना है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको आधार नंबर के यहाँ पे आपको लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे आपको भरना होगा, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना नेम भरना होगा, ठीक है। जो आपको पैन कार्ड में नाम चाहिए वो यहाँ पे नेम भरना होगा, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुल नेम ऑफ द एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका टाइटल है और यहाँ पे आपका नाम जो भी आपने भरा हुआ है, यहाँ पे आपका नाम आ चुका है, ठीक है। और दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ आ चुका है और यहाँ पे दोस्तों आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, जो भी आप जेंडर है मेल फीमेल आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका नाम चेंज है। अगर आपका नाम दूसरा है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और आपका नाम भरने को आ जाएगा, अन्यथा आपको नो पे रहने देना है। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना एक यहाँ पे नो रहने देना है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना फादर नेम भरना है, ठीक है। यहाँ पे फादर का यहाँ पे लास्ट नेम भरेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम भरेंगे और यहाँ पे मिडिल नेम भर देंगे। और दोस्तों, यहाँ पे मदर नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप अपना एक मदर नेम या फादर नेम जो आप चाहते हैं अपने पैन कार्ड में उसका नाम भर के यहाँ पे आपको फादर मदर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम का ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नो इनकम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो नो इनकम पे क्लिक करेंगे, अगर आप कमाते हैं या आप मजदूरी करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको इनकम फॉर अदर सोर्सेज पे आपको टिक लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन और दिया है यहाँ पे, तो दोस्तों आप यहाँ पे एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपका रेजिडेंस एड्रेस है तो रेजिडेंस क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पे ऑफिस सिलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप अपना डूर ब्लॉक नंबर यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आप अपना विलेज नेम भर देंगे और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस यहाँ पे नेम भर देंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना एरिया लोकेशन यहाँ पे भर देना है, सिटी भर देना है, डिस्ट्रिक्ट भर देना है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आपको अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है एरिया का। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका ऑफिस एड्रेस है तो यहाँ पे आप अपना ऑफिस एड्रेस यहाँ पे उसी तरह से फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपना ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे विलेज सिलेक्ट करेंगे, पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे अपना लोकेशन डालेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, कंट्री डालेंगे और यहाँ पे स्टेट, पिन कोड यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपसे टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल्स पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना कंट्री कोड भर लेना है। ठीक है, जो भी आपका कंट्री कोड है, तो दोस्तों आप इंडिया से हैं तो आपको इंडिया का कोड यहाँ पे 91 का है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आपका एरिया एसटीडी कोड है आपके पास तो भर देना है, अन्यथा छोड़ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे एसएस दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगर पैन कार्ड पहले से अलाइन हुआ है तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको नो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप फोर्थ स्टेप पे आ चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एरिया कोड आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पे आपको अपना एरिया कोड यहाँ पे नहीं मालूम है तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इंडियन सिटीजन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एरिया कोड आपका आ चुका है। अगर ये एरिया कोड आपको नहीं मालूम है, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको इंडियन सिटीजन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको अपना एरिया नेम डाल देना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही सर्च पे यहाँ पे फेच पे क्लिक करेंगे तो आपका एरिया यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आपने सही सही डाला हुआ है, वही आपका यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको बस क्या करना है कि यहाँ पे सिलेक्ट वाले आइकन पे क्लिक करना है, तो यही डेटा यहाँ पे आपका फेच करके आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आपको फाइनली क्या करना है कि नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको एक बार ही क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना है, एड्रेस प्रूफ देना है और एक आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पे दोस्तों आप अपना आधार नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आधार भी आपको दिया है तो आधार सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस में दोस्तों आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जो भी आपके पास है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपका आधार दिया है तो आधार सेलेक्ट कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिया है, तो इसमें भी आपको बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी दोस्तों आप अपना आधार सेलेक्ट कर सकते हैं, आधार का ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों तीनों वाले ऑप्शन में आपने आधार सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आपका यहाँ पे नाम वम वगैरह सारा कुछ दिखा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको हिमसेल्फ हरसेल्फ पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप अपना पैलेस डाल देंगे। ठीक है, आपका पैलेस जो भी है यहाँ पे आप अपना भर देंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जिस तारीख को आप पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसका डेट यहाँ पे आपको शो करके आ चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे दोस्तों आप अपना फोटो अपलोड करेंगे और यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि फोटो की साइज 200 DPI पे स्कैन करना है कलर फोटो। ठीक है, और दोस्तों फोटो की साइज 50 KB से नीचे रहनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 50 KB दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर की साइज भी बताया गया है कि 50 KB से नीचे ही रहना है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आप अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, यानी जो आपने एड्रेस प्रूफ दिया हुआ है उसको भी यहाँ पे अपलोड करने होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप तीनों एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, यानी आधार कार्ड। तो दोस्तों आपको बस एक ही डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका फोटो अपलोड हो चुका है और यहाँ पे आपका सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आपका आधार कार्ड भी अपलोड हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपको सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे एक बार ही क्लिक कर देना है।
तो दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार नंबर का फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पे नंबर आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको अपना पहला 8 अंक यहाँ पे आपको भरने होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आधार कार्ड का फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पे भर दिया हुआ है। ठीक है, और दोस्तों मैं ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका पूरा डेटा यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, शो कर दिया जाएगा। तो एक बार आपको यहाँ पे क्या करना है कि चेक कर लेना है सारा डेटा यहाँ पे दोस्तों, चेक कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको इसमें लगता है कुछ गलत है तो आपको सुधारना है, तो यहाँ पे दोस्तों आप एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपको जो भी गलत है वो आप सही कर लेंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे सही करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको फाइनली यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका पेमेंट मोड ओपन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि मेड ऑफ पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही पेमेंट मोड सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका पैन कार्ड का चार्ज यहाँ पे आ चुका है, 106 रुपये 90 पैसे आपसे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आपको पेमेंट कटवाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। ठीक है, फाइनली नीचे की तरफ आएंगे और दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विस को यहाँ पे चेक लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आपको फाइनली प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका फी अमाउंट यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे ट्रांजेक्शन आई डी यहाँ पे आपको शो कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका यहाँ पे पेटीएम बाई से यहाँ पे दोस्तों आपको QR शो कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको पेमेंट कटाने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे UPI का ऑप्शन दिया हुआ है, और नीचे की तरफ आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो जिस माध्यम से आप पेमेंट कराना चाहते हैं दोस्तों आप पेमेंट करा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फाइनली क्या करूंगा कि अपने फोन पे से QR को स्कैन करूंगा और अपना पेमेंट कटवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने पेमेंट कटवा दिया, यहाँ पे देखिए हमारा पेमेंट प्रोसेसिंग हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप हमारा पेमेंट कट चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको बैक नहीं करना है, यहाँ पे आपको वेट कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप वेट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन स्टेटस यहाँ पे सक्सेस दिखा दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आपको ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आप जिस तारीख में पेमेंट किए हुए हैं डेट दिया हुआ है और अमाउंट आपका बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आपका बैंक रेफरेंस नंबर भी दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस ट्रांजेक्शन नंबर को आप नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको इन फ्यूचर काम आ सके स्टेटस चेक करने में या पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे फिर से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपसे आधार ऑथेंटिकेशन करा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपका टोकन नंबर आ चुका है, यहाँ पे एप्लीकेशन नेम आ चुका है, यहाँ पे जेंडर दिखा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको सारा कुछ यहाँ पे आपका डिटेल शो कर दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है कि टिक लगा देना है और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको OTP के माध्यम से एक बार वेरिफिकेशन करना होगा, यानी eKYC eSign करना होगा। यहाँ पे दोस्तों ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पे एक बार आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे दोस्तों आपको OTP जनरेट करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP जाएगा। ठीक है, उस OTP को आपको डालना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताया गया है कि OTP का टाइम कितने देर तक वैलिड होगा और कितने स्टेप में आप फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको OTP भरना होगा। ठीक है, यहाँ पे OTP चला गया है। ठीक है, आपको OTP भरना है और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अगर OTP नहीं आया तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे रीजनरेट OTP पे क्लिक करना है। ठीक है, और आपको OTP फिर से आ जाएगा तो भर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा OTP आ चुका है और यहाँ पे मैंने OTP भी भर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मैं फाइनली सबमिट वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करूंगा। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि You are almost there. वन लेटर स्टेप टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन, मतलब आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक ऑन कंटिन्यू विथ ई साइन विलो पे आपको क्लिक करना है और आपको फिर से पेन एप्लीकेशन को ई साइन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों कंटिन्यू विथ ई साइन वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे दोस्तों आपको इस चेकबॉक्स को लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई कर देना है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना आधार नंबर यहाँ पे दोस्तों भर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आधार नंबर भरने के बाद यहाँ पे सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सक्सेस OTP सेंट ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे आपको भेज दिया गया। ठीक है, तो जो आपके पास ईमेल आईडी है या फोन नंबर है उस पे आपको OTP सेंड कर दिया गया, तो उस OTP को यहाँ पे भरना है और यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे आ चुका है। ठीक, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि थैंक यू फॉर योर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी ऑफ पेन एप्लीकेशन का यहाँ पे आपको कंग्रेचुलेशन आ चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका PDF आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपने जो फॉर्म में भरा हुआ है, ठीक है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको शो कर दिया गया है। ठीक है, आपका फोटो, सिग्नेचर, आपका नाम वगैरह सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आपका आधार कार्ड भी आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करके रख लेना है,
यहाँ पे दोस्तों आपको इस फॉर्म को कहीं भी अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका फॉर्म भरा जा चुका है, इसमें आपको कोई भी दस्तावेज जमा नहीं करना होगा, ठीक है। ये डिजिटली आपका पैन कार्ड अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आपके 10 या 15 दिन में आपके बाई पोस्ट आपके घर पे आपका पैन कार्ड आ जाएगा, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई भी फॉर्म को जमा करना नहीं जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आप अपना पैन कार्ड बना सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दोस्तों इस तरह से आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।